Dear students, you all are welcome to our YouTube channel Online Study Corner. कल के लेक्चर में हमने दो मॉडल्स के बारे में रीड किया था, कैन और कुड के बारे में. आज हम उससे आगे मे, माइट और मस्ट को रीड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. मॉडल मे. मे का यूज कहाँ पर होता है? परमिशन लेने के लिए और फॉर्मल ढंग से परमिशन लेने के लिए. हमने रीड किया था कि कैन को भी परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कैन को किस तरह से परमिशन लेने के लिए यूज किया जा रहा था? इनफॉर्मल ढंग से. ठीक है, जब हम यूजुअली ऐसे ही कह देते हैं कि क्या मैं बैठ जाऊं, और फिर हम बैठ जाते हैं, कैन आई सिट हियर, वहां पर हम कोई भी संबोधन का यूज नहीं करते, जैसे सर, मैडम या जो भी, इस तरह से रिस्पेक्ट का यूज नहीं करते हैं. तो वहां क्या है, कैन का यूज किया जा सकता है. लेकिन जब हम किसी से फॉर्मल ढंग से पूछ रहे हैं, किसी अननोन पर्सन से पूछ रहे हैं या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से पूछ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं. यानी कि परमिशन लेने के लिए जब हम फॉर्मल ढंग से परमिशन लेते हैं तो किस चीज का यूज करेंगे, मे मॉडल का यूज करेंगे. जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? ठीक है, या मे आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैडम? ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, फॉर्मल ढंग से पूछा जा रहा है, परमिशन ली जा रही है. दूसरा क्या होता है, मे का यूज परमिशन के लिए तब किया जाता है जब हमें पता ही है कि जो आंसर है वो यस या नो दोनों में किसी में भी आ सकता है. लेकिन कैन में ज्यादातर हमें क्या पता होता है कि आंसर किस में आएगा, यस में ही आएगा. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की या प्रोबेबिलिटी की. पॉसिबिलिटी यानी संभावना और प्रोबेबिलिटी यानी संभावना. जब किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग आधी आधी हो, ठीक है, तब हम मे का यूज करते हैं. जैसे इट मे रेन टुडे या इट मे रेन टुनाइट, राइट. जैसे हम देखते हैं कि मौसम थोड़ा खराब सा है और फिर हम कहते हैं कि हाँ आज बारिश हो सकती है, दैट मीन्स वहाँ 50-50% चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, वहां काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है रेन होने की, तब हम कहते हैं कि इट मे रेन टुडे, राइट. इसके अलावा ब्लेसिंग्स को शो करने के लिए, विश को शो करने के लिए या कर्स को शो करने के लिए. ब्लेसिंग यानी किसी को आशीर्वाद देने के लिए, विश यानी किसी के लिए भगवान से या किसी से प्रार्थना करने के लिए, कोई इच्छा शो करने के लिए, और कर्स यानी किसी को कोसने के लिए भी मे का यूज किया जाता है. जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हें लंबी आयु मिले. यहाँ मे का मतलब क्या है कि हम किसी को ब्लेसिंग देने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये किस सेंस में यूज हो रहा है कि भगवान करे जैसे. ठीक है, नेक्स्ट है मे यू प्रोस्पर इन लाइफ, तुम लाइफ में उन्नति करो, प्रोस्पर करो, भगवान करे. ठीक है, तो वहां पर भी हम मे का यूज कर रहे हैं. इसी तरह से मे गॉड ब्लेस यू, या कभी कभी हम क्या कहते हैं, मे यू फॉल, भगवान करे तुम गिर जाओ. ठीक है, तो वहां क्या है, वो कर्स का एग्जाम्पल है. ठीक, कैसे, देखो जैसे हम लिख सकते हैं मे यू फॉल इन अ डिच, भगवान करे तुम एक गड्ढे में गिर जाओ. तो ये क्या है, एक तरह से कर्स को शो कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसके बाद है पर्पस. कभी कभी पर्पस को यूज करने के लिए भी किस चीज का यूज किया जा सकता है, मे का यूज किया जा सकता है. ठीक है, अब पर्पस को यूज करने के लिए मे का यूज कब किया जाता है, ठीक है, देखो जैसे मान लो हम कहते हैं ही वर्क्स सो दैट ही कैन अर्न अ स्मार्ट लिविंग. यहाँ कैन का यूज भी किया जा सकता है और मे का यूज भी किया जा सकता है, राइट. वो काम करता है ताकि वो एक अच्छी आजीविका कमा सके. लेकिन जब पर्पस में, पर्पस को वर्णित करने के लिए एक तरह से दो क्लोजेस हो एक सेंटेंस के अंदर, जैसे एक क्लोज क्या है यहाँ, ही वर्क्स, वो काम करता है, इस क्लोज को दूसरी क्लोज ही कैन अर्न अ स्मार्ट लिविंग, वो एक अच्छी आजीविका कमा सकता है. दो क्लोजेस है ना यहाँ पर, इन दोनों को सो दैट से जोड़ दिया गया. जब एक सो दैट को एक कंजक्शन के तौर पर दो क्लोजेस के बीच में यूज किया जा रहा हो, तभी हम कैन या मे का इसके लिए, पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. जैसे कि अगर हम कहें ही वर्क्स इन ऑर्डर टू अर्न अ स्मार्ट लिविंग, सो दैट की जगह हमने क्या किया, इन ऑर्डर यूज कर लिया. जब हमने सो दैट की जगह इन ऑर्डर को एक कंजंक्शन के तौर पर यूज कर लिया, तब हम मे का प्रयोग नहीं कर सकते या कैन का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते. तो ये कुछ रूल्स थे जो हमें बताते हैं यूज ऑफ मे के बारे में.
अब हम बात करते हैं माइट। माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अगर हमें किसी से पोलाइट ढंग से परमिशन चाहिए, ठीक है, अगर हम किसी को कहें क्या मैं बताऊं कुछ, ठीक है, तो वहां पर ऐसे सेंस के अंदर माइट का यूज किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं पोलाइट परमिशन के लिए, माइट आई सजेस्ट एन आइडिया, क्या मैं एक आइडिया सजेस्ट करूं, ठीक है। तो ये पोलाइट ढंग से बीच में, जैसे इंटरप्ट कर रहे हैं हम किसी को बात करते हुए और बीच में अपना सुझाव दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हम माइट का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। मे में हमने देखा कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा थी, ठीक है, कैन में भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, लेकिन माइट कहाँ यूज किया जाता है, जहां पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अगर बहुत कम है तो हम माइट का यूज करते हैं। जैसे आई माइट गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल कहाँ जा सकता हूँ, हॉलीडे पर जा सकता हूँ। इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब देखो अगर मान लो मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम क्या कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या यूज करेंगे वहां, माइट का यूज करेंगे, बिकॉज देयर इज वेरी लो पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद विश, आई विश आई माइट हैव डन दिस, आई विश आई माइट हैव नॉट डन दिस, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, जब हम कोई विश कर रहे हैं और सेंटेंस के अंदर विश वर्ड का प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ क्या है, ये एक विश है कि काश मैंने ऐसा किया होता, ठीक है। जो चीजें, एक तो पास्ट की विश है, ये क्या है, माइट क्या कर रहा है, पास्ट की विश को शो कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, सेंटेंस के अंदर विश वर्ड का एज इट इज यूज किया गया है, आई विश, शी माइट हैज डन दिस, ठीक है, ही विश He might has done this या had done this, ठीक, तो वहां पर हम might का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या है, दोबारा से देखो इसको, wish का प्रयोग, wish बताई गई है, past की wish है और sentence के अंदर wish word का प्रयोग भी किया गया है, तब हम might का use करते हैं। Clear? Next modal है हमारे पास must। Must का use कहाँ किया जाता है, strong obligation के लिए, ठीक है, कोई काम करना बहुत बहुत जरूरी है कि ये काम तो तुम्हें करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे यू मस्ट वर्क टू अर्न अ लिविंग, तुम्हें कमाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, यू मस्ट स्टडी टू क्रैक द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, या फिर यू मस्ट टेक मेडिसिन टू लिव, तुम्हें जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए दवाई लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, एज यू आर इल। अगर हम कहें यू आर इल, तुम बीमार हो, सो यू शुड विजिट अ डॉक्टर, इट वुड बी रॉन्ग। क्यों गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ क्या है, देखो फर्स्ट सेंटेंस में यू आर इल, तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहिए नहीं बल्कि कि जब कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो वहां एक ऑब्लिगेशन है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ मस्ट आ जाएगा, सो यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर, मतलब ऐसा कोई काम शो करने के लिए जहाँ क्या है, बहुत ही बड़ी कंपल्शन लगा दी गई है, ऑब्लिगेशन लगा दी गई है कि ये काम तो करना ही करना है, तो वहां क्या है, मस्ट आ जाएगा, राइट। इसके बाद है लॉजिकल कंक्लूजन के लिए। लॉजिकल कंक्लूजन क्या है, जैसे ही मस्ट बी इरिटेटेड, ही इज बीन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है तो जरूर इरिटेटेड होगा, ठीक है। यहाँ कौन सी सेंस आ गई, जरूर, कंक्लूजन निकाला है हमने, क्या कंक्लूजन निकाला है, कि वो तो डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा चिंता में रहता है, इसलिए अगर तुम उससे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, वो इरिटेट हो जाएगा, ये कंक्लूजन है ना, ये उसकी कंडीशन है कि वो डिप्रेशन में है, ठीक है, और उसका कंक्लूजन क्या है, कि वो इरिटेट हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, एक सिचुएशन जब उसका हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं लॉजिकल, और लॉजिकल कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन निकलता है, कि ऐसा जरूर होगा, तो वहां पर मस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देख सकते हैं, ही हैड वर्कड हार्ड
सो ही मस्ट हैव बीन सक्सीड. वो मेहनत करता था इसलिए वो जरूर सफल हो गया होगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या आया, ही वर्क हार्ड, ही हैड वर्क हार्ड, क्या है, उसने बहुत मेहनत की थी, ये एक सिचुएशन है और ये इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन है कि वो सफल जरूर हो गया होगा. ठीक है. तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट नीड नॉट को. नीड नॉट का यूज कहाँ किया जाता है, नीड नॉट का यूज होता है ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में. देखो वैसे तो नीड होता है कि नीड मोडाल, लेकिन हम इसको नीड नॉट से ही याद रख सकते हैं क्योंकि नीड नॉट का यूज, नीड का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है, इसलिए यहाँ हमने क्या लगा दिया, नीड नॉट ही लगा दिया. लैक ऑफ नेसेसिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी मतलब जब कोई चीज करना बहुत जरूरी नहीं है तब हम क्या कर रहे हैं, किस चीज का यूज कर रहे हैं, नीड नॉट का यूज कर रहे हैं. हम कहते हैं कि नहीं ये काम करना बहुत जरूरी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम वहां पर, नीड नॉट का यूज कर सकते हैं. जैसे यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट विजिट मी, आई विल विजिट यू. तुम्हें यहाँ विजिट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई विल विजिट देयर, मैं वहां आ जाऊंगा. तो यहाँ क्या आ गया, नीड नॉट आ गया. मतलब ये क्या है, नीड का यूज ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है और कहाँ होता है, जहां हम लैक ऑफ नेसेसिटी को, किसी चीज के जरूरी ना होने को शो करते हैं. ठीक है. इसके बाद आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने हैं. ठीक है. ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू सोल्व. And if you have any doubt, you can ask in the comment section box. Now it's enough for today. In the next lecture, we will talk about the more forms of modals like ought to, should, would and will.